इंदौर जिले के महू तहसील के मानपुरा थाना क्षेत्र के गणपति घाट में आज कच्चे धागे से भरा हुआ कंटेनर पलटने के कारण वाहन चालक की दबने से मौत हो गई है। आज सुबह डायल 100 पर सूचना मिली थी कि एक कंटेनर पुल के नीचे गिर गया है, जिसकी सूचना मिलते ही मानपुर पुलिस व डायल 100 मौके पर पहुंच गई। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह हरियाणा पासिंग कंटेनर वाहन तेज गति से इंदौर बॉम्बे हाईवे पर अनियंत्रित होकर मानपुर थाना क्षेत्र के बेरू घाट के समीप अजनार नदी के पुल के नीचे जा गिरा। वाहन पलटने से ड्राइवर दब गया और उसकी मौत हो गई। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और रहवासियों ने ड्राइवर के शव को निकाला गया, मानपुर के सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया। इस दौरान घाट में हाईवे जाम हो गया, जहां पुलिस ने मानवता दिखाई और स्वयं व रहवासियों की मदद से कंटेनर को खाली कराकर पुलिस की सूझबूझ से लंबे लगे जाम को खुलवाया गया। वहीं इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी वाहन मालिक और ड्राइवर के परिजनों को मानपुर पुलिस द्वारा दे दी गई है और आगे की जाँच जारी है। आज मॉर्निंग में 100 नंबर गाड़ी पर सूचना आई कि एक हरियाणा पासिंग का ट्रक अनियंत्रित होकर भेरू घाट के नीचे ब्रिज पर पलटी खा गया है। सूचना की तस्दीक हेतु में हमरा फोर्स को लेकर तत्काल मौके पर पहुंचा, देखा कि भेरूगाड के नीचे ब्रिज पर एक ट्रक हरियाणा पासिंग का HR39E7136 पलटी खाया हुआ था, जिसमें कच्चा माल धागा भरा हुआ था और भारी मात्रा में कच्चा माल था, जिसे क्रेन मशीन की सहायता से भी खाली नहीं करा जा सका था। जैसे तैसे गाँव वालों की मदद से और साक्ष्यों की मदद से माल को खाली कराया गया। फिर हमने देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति ड्राइवर हो सकता है, वो उसकी बूढ़ी ट्रक के नीचे दबा था बूढ़ी, तो वो छिन्न भिन्न हालत में हमें मिला, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। हमने जैसे तैसे उसको निकाला और PM के लिए उसे अभी CSC मानपुर अस्पताल भेज दिया है। उस मृतक का नाम अभी ज्ञात नहीं हुआ है, जैसे ही नाम पता चलेगा जाँच जारी है। कैनन न्यूज के लिए महू से प्रकाश सिसोदिया की रिपोर्ट।